स्टेशन पर चाय बेचते थे और देश का प्रधानमंत्री बने। क्यों? मैं एक माँ से पूछा, दलित महिला से, माँ किसको वोट दोगी? माँ ने कहा कि अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोले मेरा बेटा सफाई कर्मी रिक्शा चालक है। फिर माँ क्या चुनाव लड़े बेटा उसको वोट दूंगा। बेटा कौन है? उसने कहा मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है नेताजी। मेरा बेटा ही असली मेरा पक्का मकान बनाता है। पहले झोपड़पट्टी में रहता था, ये पक्का मकान मेरे बेटे ने दिया है। ये गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, बिजली का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, आयुष्मान का कार्ड मेरे बेटे ने दिया है। इसलिए मैं अपने बेटे को दूंगा। जय जय श्री राम। मित्रों, यहाँ के इतने लोकप्रिय विधायक हैं, देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन माताएं बहनें इतना प्यार करती हैं इनको, हम कल्पना से परे लगता है। घर पहुंचता है तो बिजली के रोशनी में बिजली का सतर देख कर भोजन करता है तो दो से बड़ा मतदान कितना महत्वपूर्ण होता है उसको कल्पना करो। मतदान जातिवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान धनतंत्र के नाम पर नहीं होता है। मित्रों, मतदान लाठी तंत्र के नाम पर होता है, मतदान गोत्रवाद के नाम, मतदान तो राष्ट्रवाद के लिए होता है। मित्रों, आपके एक मतदान के कारण, मित्रों, आपने जो मतदान किया है उसके कारण अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। मित्रों, आपने एक मतदान किया मोदी जी को और 70 सालों बाद आजादी के 70 सालों बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मित्रों, तो आपको बदौलत हो रहा है। एक बार मोदी जी को हाथ उठा कर बधाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोदी योगी के पक्ष में 100 घर जाऊंगा, 100 घर वालों से कहूंगा थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, छोड़ो यार, गलतियां किसी न किसी से हम लोगों से हो जाती है, छोड़ो ना कभी। फिर से मोदी योगी को मजबूत कर 2022 को मेरा मकान खिलेगा। सौ सौ घर में जाएंगे, समझा जाओगे?